हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में जो भी आप ट्रांजेक्शन या ट्रांसफ़र करते हैं उसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो कैसे सेट की जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है तो उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको दो जगह से इसके ट्रांजेक्शन लिमिट सेट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्विक पे नाम का ऑप्शन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा सेट ट्रांजेक्शन लिमिट्स, उस पर क्लिक कर देंगे तो भी आप यहाँ से ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। अभी जब देखिएगा लिमिट पर ट्रांजेक्शन इज 5000 है, तो यहाँ से हम इसको जितना चाहे उतना अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक चीज़ पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, एक यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है वो ज़रूर पढ़िएगा। लिमिट एनहांसमेंट विल बी एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर 24 आवर्स। अगर आपने अभी लिमिट एनहांस कर दी है, जैसे कि हमारा 5000 था, हम 18000 कर देते हैं, ये लिमिट अगर हम अभी सेट करते हैं तो 24 आवर्स के बाद सेट होगी। बट अगर हमारी लिमिट पहले ज़्यादा थी और हम अगर कम करेंगे तो यहाँ पे लिमिट दिखा गया है कि लिमिट रिडक्शन विल बी एक्टिवेटेड इंस्टेंटली। कम अगर लिमिट करेंगे हम ज़्यादा से तो वो तुरंत सेट हो जाएगी। अगर हम लिमिट कम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पे सेट करके बढ़ाएंगे या एनहांस करेंगे तो उसके लिए आपको 24 आवर्स लग जाएंगे। अभी हम 5000 से 18,205 रुपीज़ पे सेट करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। सिर्फ आपका यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे हमारी जो क्विक पे लिमिट सेटिंग जो है ये 24 आवर्स के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। बस यहाँ पे ओके कर देंगे। बस इसी प्रकार से आप ट्रांजेक्शन लिमिट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों हमने फेडरल बैंक रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।